ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू, वेलकम टू द बॉन्ड स्टडी। मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया था कि एलिमेंट्री कैनाल क्या चीज़ होती है, और हम जो है ह्यूमन डाइजेशन एक्चुअली डिस्कस करने जा रहे थे कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म ऑफ द ह्यूमन डाइजेशन। ओके, तो हमने पूरा का पूरा ह्यूमन डाइजेशन पढ़ाया था, लेकिन मैंने शुरुआत जिस टॉपिक की करी थी, देखो मैं इस पूरे टॉपिक को मैंने सेपरेटली बनाया है, और सेपरेटली बनाने का मकसद ये है क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं। अगर कहीं से आप भूलते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट था, या कौन सा वाला पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में आपके समझ में नहीं आया, या लार्ज इंटेस्टाइन में आपके समझ में नहीं आ रहा है, या आपका स्टमक के अंदर आपका समझ में नहीं आ रहा है, तो जिस किसी चीज़ के अंदर भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है, तो आप सेपरेटली उसको स्टडी कर सकते हैं, ठीक है, तो जिससे कि आपका टाइम बहुत सारा कंज्यूम होने से बच सकता है। बहरहाल, मैंने लास्ट टॉपिक पे जो लेक्चर में डिस्कशन किया था, वो डिस्कशन मैंने ये किया था कि आखिरकार कौन सी चीज़ ऐसी है और कौन सी चीज़ गैर हाजिरी की है साहब, ठीक है। यहाँ तक मैंने सारी की सारी बातें जो हैं वो आप लोगों के साथ कर ली थी। उसके बाद जो है मैंने समझाया था, एक चीज़ बताई थी, वो चीज़ क्या थी, अपन डिस्कस करने जा रहे थे एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल जो हम डिस्कस करने के लिए जा रहे थे, तो एलिमेंट्री कैनाल किस चीज़ के लिए कहते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एलिमेंट्री कैनाल किसको कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, मैंने पहले ही बता दिया था कि मुंह से लेके एनल कैनाल तक का जो पैसेज है, जो पाथवे है, उसको हम क्या कहते हैं, एनल कैनाल बोलते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, हमने माउथ यहाँ डिस्कस कर लिया है, हमने बक्कल कैविटी यहाँ डिस्कस कर ली है, हमने फैरनिक्स यहाँ डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अब बात आती है ईसोफेगस की, ठीक है, तो हम यहां से ईसोफेगस तक चलते हैं, वी आर गोइंग ऑन द टर्म ऑफ द ईसोफेगस, अपन जो है वो ईसोफेगस तक चलते हैं। अब ईसोफेगस क्या है, देखिए ईसोफेगस जो है वो एक फूड पाइप है। कौन सा पाइप है, फूड पाइप है। उस फूड पाइप के अंदर क्या होता है कि भाई सांस अंदर जाती है, और अंदर जाने के बाद क्या होता है साहब कि सांस अंदर चली गई, और अंदर जाने के बाद जो है वो सांस कह रहा हूं मैं कि दोनों पाइप इस तरह से आपस में लगे हुए होते हैं यूं, ठीक है। ये फूड पाइप है और ये हवा वाला पाइप है, तो इस फूड पाइप के अंदर तो खाना जाता है, और ये हवा वाला पाइप जो है यानी ये ट्रैकिया है जिससे वो अटैचेबल रहता है। यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियरिफाई हो रही है साहब की, नहीं हो रही है, आखिरकार मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, क्या समझाना चाह रहा हूँ मैं आपको। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई कि ईसोफेगस की हम बात कर रहे हैं। अब ईसोफेगस आया, ईसोफेगस वी आर ऑल्सो कॉल्ड द ईसोफेगस इज कॉल्ड एज द फूड पाइप, ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं, फूड पाइप भी इसको अपन कह सकते हैं कि ये और क्या है, फूड पाइप है। अगर कोई भी इंसान बता रहा है कि इट इज अ मस्कुलर ट्यूब, ये मसल्स की एक ट्यूब है, हालांकि ऐसा शो नहीं करते हैं, लेकिन मैंने फिर भी इसको अलग से डिफाइन किया है, विच इज अबाउट 25 सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर की होती है, 25 सेंटीमीटर की होती है। बात बिल्कुल क्लियरिफाई होगी। अच्छा भाई, एक बात बताइए, अगर ऐसा होता कि आपने खाना खाया और डायरेक्टली ये ईसोफेगस आपके माउथ से स्टमक तक कनेक्टेड नहीं होता, तो क्या होता साहब, खाना एकदम पेट के अंदर घुसता, ठीक है साहब, और हो सकता था कि उससे पेट की जो मसल्स हैं, जो स्टमक की मसल्स हैं, वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाती साहब, ठीक है। तो इसीलिए नेचर्स ने, या यूं कहिए कि हमारी बॉडी के अंदर ईसोफेगस मौजूद है। ईसोफेगस एक काम करता है जिसका नाम क्या होता है भाई, इसका नाम होता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। कौन सा मूवमेंट साहब, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अब ये क्या कहलाता है, अगर देखो जनरली सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बात बताऊं तुम लोगों को इस चीज़ के लिए, तो क्या होगा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के लिए, कि कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ ईसोफेगस, ठीक है साहब, ईसोफेगस मतलब ईसोफेगस का कॉन्ट्रैक्ट होना और रिलैक्स होना। अब देखिए मैं एक चीज समझाता हूं, मिसाल के तौर पे एक फर्ज कीजिए आप, अब फर्ज कीजिए आप मेरी तरफ कि साहब मेरे पास ये फूड पाइप है, ये फूड पाइप मेरा लग रहा है साहब। अब ये जो फूड पाइप है, यहां से अब ये खाना अंदर डायरेक्टली ऐसे ही नहीं जाएगा, खाना कैसे जाएगा, खाना आया यहां पर रुकेगा,
फिर थोड़ा और रुकेगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा फिर खुलेगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट होगा फिर खुलेगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट होगा फिर खुलेगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट होगा फिर खुलेगा। मतलब इस तरीके से समझ लीजिए, एक पाइप है तो उसको आपने दबाया फिर छोड़ दिया, सॉरी आपने दबाया फिर छोड़ दिया, फिर दबाया फिर छोड़ दिया, फिर दबाया फिर छोड़ दिया। तो कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ से कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। तो इससे खाना बहुत पोलाइटली पेट के अंदर उतरता है साहब, ठीक है, डायरेक्टली पेट के अंदर खाना नहीं उतरता है। यहाँ तक बात आप थोड़ा सा जरा अपने दिमाग में बैठाइएगा साहब। अच्छा, फर्दर अगर मैं अगली बात बताता हूँ आपको, तो दिस इज कॉल्ड द कॉन्ट्रैक्शन एंड द रिलैक्सेशन ऑफ द ईसोफेगस। ये क्या चीज होती है? ईसोफेगस का कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है। तो देखो, माउथ हमने डिस्कस कर लिया है, ईसोफेगस के बारे में यही दो सवाल है, सिर्फ दो सवाल है कि साहब ईसोफेगस कितने सेंटीमीटर। आपके लेवल पे ईसोफेगस में सिर्फ इतना पढ़ना है कि इट इज अबाउट ऑफ द 25 सेंटीमीटर मस्कुलर बैक, सॉरी मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, और ये साहब क्या होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इसका शो होता है। तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है किसका? ईसोफेगस का। किसका? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। किन चीजों का होता है साहब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन? ईसोफेगस का होता है, वो खुलता है फिर खुलता है फिर दबता है फिर खुलता है फिर दबता है फिर खुलता है फिर दबता है, ताकि खाना पोलाइटली इंसान के पेट में उतर सके। पहली चीज यहां तक आप लोग क्लियर कीजिएगा। अगला देखिए, यहां से स्टमक शुरू हुआ, यहां तक ये पूरा जो पार्ट है वो स्टमक का है। मैंने लिखा है यहां पे स्टमक, ठीक है। अब स्टमक का सबसे मेजर पॉइंट क्या है कि भाई ये जेल शेप्ड ऑर्गन होता है। कैसा ऑर्गन होता है? जे शेप्ड ऑर्गन होता है। किस तरह का ऑर्गन होता है साहब? जे शेप्ड ऑर्गन होता है। इस यहां पे इस बात को थोड़ा सा आप लोग हाईलाइट करके रखिएगा कि इट इज द जे शेप्ड ऑर्गन। किस तरह का ऑर्गन होता है साहब? जे शेप्ड ऑर्गन होता है, ये जे शेप्ड ऑर्गन होता है, ठीक है, जे शेप्ड ऑर्गन होता है। और ये जे जो शेप्ड ऑर्गन होता है, अब देखो थोड़ा सा महसूस करो, जे भी इसी कंडीशन में होता है ना। अब लोग मुझसे बड़ा बहुत ज्यादा पूछते हैं कि साहब ये जे हो गया, जे ऐसा है, अगर तुम देखोगे तो थोड़ा सा जे इसी तरीके से जा रहा है, इसी तरीके से, ठीक है। तो इसीलिए अपन क्या बोलते हैं इसको? जे शेप्ड ऑर्गन बोलते हैं। अच्छा, जहां पर, मेरी बात को गौर कीजिएगा, जरा जूम कर दिखाइए यहां पे, ठीक है साहब। अब इस पूरी चीज को देखिएगा, मुझे दिखाई दे या नहीं दे उससे मतलब नहीं है, लेकिन फिगर जरूर देखिएगा आप। जहां पर ईसोफेगस खत्म हो रहा है, जहां पर ईसोफेगस खत्म हो रहा है और स्टमक शुरू हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? कार्डिया बोल रहे हैं साहब। क्या बोल रहे हैं? कार्डिया बोल रहे हैं। Is it clear? उसके बाद अगर मैं बताऊं तो यहां पर जो ओपनिंग है, मतलब जो खुला हुआ सुराख है, जो होल है, उस सुराख को इन लोगों ने क्या बोला है? ईसोफेगल स्पिंचर बोला है। तो यहां पे लिख सकते हैं ईसोफेगल स्पिंचर के अंदर के ओपनिंग ऑफ, यहां पे एक पॉइंट बना के लिख लीजिए आप, मैं इस तरीके से एरो बना के लिख देता हूं, ओपनिंग ऑफ, ओपनिंग, ओपनिंग ऑफ ईसोफेगस, 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 ईसोफेगस इनटू स्टमक, मतलब स्टमक में ईसोफेगस की ओपनिंग हो जाना को, जहां पे ओपनिंग होती है उसको अपन क्या कहते हैं? ईसोफेगल स्पिंचर, स्पिंचर। बात बिल्कुल क्लियरिफाई हो रही है? स्पिंचर कह सकते हैं, स्पिंचर कह सकते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। तो जहां पे ईसोफेगस खुला वहां पे कार्डिया, और जो होल है उसको ईसोफेगियल स्पिंचर बोलते हैं, पहली चीज। अच्छा, फिर इस पूरे स्टमक को चार पार्ट्स में इन्होंने तोड़ा है। द स्टमक आर क्लासिफाइड इनटू द फोर पार्ट्स। वो चार पार्ट कौन कौन से हैं? देखिए, चार पार्ट कौन कौन से हैं? सबसे पहला देखिए, सबसे पहला पार्ट है फंडस। सबसे पहला पार्ट कौन सा है? फंडस है, ठीक है। ये ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाला हिस्सा तोड़ दिया, ठीक है, फंडस में तोड़ा। दूसरा पार्ट पूरी बॉडी, मतलब जो मेन बॉडी है किसकी? स्टमक की, ठीक है। सबसे दूसरा पार्ट कौन सा तोड़ा? मेन बॉडी, जो स्टमक की है। तीसरा पार्ट उन्होंने तोड़ा एंट्रम में, और जो खत्म हो रहा है उसको इन लोगों ने कहा पाइलोरस। मेरी बात को सुन लीजिएगा, स्टमक, मैंने इसको लिखवाया नहीं है बिकॉज आई एम स्टडिंग फॉर दी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इंट्रेंस ऑफ क्लास 11। हम क्लास 11 के इंट्रेंस के लिए पढ़ रहे हैं, बहुत सारा थ्योरेटिकल लिखाने की जरूरत नहीं है। ये बोर्ड के लिए, मैं बेनिफिशियल सारी चीजों के लिए लिए है, ठीक है, लेकिन बोर्ड के लिए थ्योरेटिकल नहीं है। कवर एक एक चीज है, लेकिन मैं ज्यादा चीज उसमें हाईलाइट नहीं कर रहा हूं कि 500-600 पेज मैंने एकदम आपके भरवा दिए हों और एकदम ये सारी चीजें हो जाए। इट इज वेरी इररिलेवेंट टू लर्निंग द प्रोग्राम ऑफ द एएमयू 11th एंट्रेंस एंड मेनी अदर काइंड्स ऑफ द एंट्रेंस। उसके बाद देखते हैं, तो सबसे पहला पार्ट कौन सा है? जो ओपनिंग है, ईसोफेगियल स्पिंचर कहलाती है। पहला पार्ट फंडस, लिख देता हूं, पहला पार्ट फंडस, दूसरा पार्ट बॉडी, तीसरा पार्ट एंट्रम, और चौथा पार्ट पाइलोरस।
और जहां पे पाइलोरस खत्म होता है और छोटी आंत जुड़ती है वो क्या, कौन सा पार्ट होता है? ड्यूडोनियम। तो ये ड्यूडोनियम किसका पार्ट है? स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। किसका पार्ट है? स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है भाई। किसका पार्ट है? मेरी बात को थोड़ा सा जरा गौर से समझिए। किसका पार्ट है? स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? ड्यूडोनियम बोलते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई? अच्छा, इसके ऊपर मतलब सॉरी, इसके जो स्टमक की लाइनिंग है अंदर, इस जगह पे जहां पे आपने खाना खाया, तो क्या होगा जब आपने खाने को चबा लिया, ठीक है? तो खाना जब चब कर, ठीक है, जब आपने फिजिकल डाइजेशन खाने का कर लिया और उसके साथ सलाइवा मिल गया, ठीक है, तो वो क्या, उसको अपन क्या बोलते हैं? बोलस बोलते हैं। उसको मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है, उसको एक एक बॉक्स बना के यहां लिख देता हूं। उसको हम क्या बोलते हैं? एक सेकंड रुकिएगा, ठीक है, उसको हम बोलते हैं बोलस। क्या बोलते हैं साहब? बोलस बोलते हैं। ये एनल केनाल थोड़ा गलत हो गया था, उसको हम बोलस बोलते हैं, बोलस बोलते हैं, ठीक है। जब खाने को चबा लिया, दोबारा सुन लीजिए, बोलस किसके लिए कहते हैं? बोलस कहते हैं कि जिस वक्त आपने खाने को चबा लिया है साहब, ठीक है, इधर दिखाई दे रहा है साहब कि नहीं दिखाई दे रहा है? ठीक है, तो इधर आपने खाने को चबा लिया और उसके साथ सलाइवा मिल गया, तो फूड प्लस सलाइवा, फूड प्लस सलाइवा, लेकिन चर्न होना चाहिए, चर्न होना चाहिए, बिल्कुल वही स्टमक के अंदर जाके, स्टमक के अंदर जाके एक क्रीमी फ्लूड बन जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? काइम बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? काइम। उसको हम क्या बोलते हैं? काइम बोलते हैं। दोबारा से सुन लीजिए, स्टमक के अंदर जाके एक क्रीमी फ्लूड बन जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? काइम बोलते हैं। फिर अगर किसी के समझ में नहीं आ रहा है, मैं दोबारा से बता रहा हूं, आई एम टॉकिंग रिकॉल, ठीक है, मैं बता रहा हूं, आपने खाना खाया, सलाइवा यानी आपकी लार जो है उस फूड के साथ मिल गई और मिलने के बाद उसने बोलस क्रिएट किया, वो बोलस आपके मुंह से इसोफेगस में होता हुआ स्टमक के अंदर जाएगा और वो जो स्टमक है, वो जो स्टमक है, उस स्टमक के अंदर क्या होगा साहब? कि वो एक क्रीमी फ्लूट के अंदर चेंज हो जाएगा, चिपचिपे फ्लूट के अंदर चेंज हो जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे? काइम बोलेंगे। तो मेरी बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। इसके अंदर जो जो स्टमक की, जैसे कि मिसाल के तौर पे आप एक चीज छोटी सी ये समझ सकते हैं, ये स्टमक की वॉल है, इसके ऊपर ग्लैंड लगा हुआ होता है। अब आपने बहुत दफा सुना होगा, सर ग्लैंड ग्लैंड ग्लैंड, ये वाला ग्लैंड, वो वाला ग्लैंड, ये वाला ग्लैंड, वो वाला, समझना नहीं है, सिर्फ लेक्चर को सुनना है, दिमाग में बिठा दूंगा एकदम, समझ में आ रही है बात नहीं आ रही? यही खासियत है, यही खासियत है बायोलॉजी की, कि अगर कोई भी इंसान आपको कुछ बेहतरीन पढ़ाता है तो बायोलॉजी घर जाके पढ़ने की जरूरत नहीं है। यू हैव टू रिवाइज सेवरल्स ऑफ द टाइम बट यू डोंट हैव टू मेमोराइज इट। आप उसको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ रिवाइज्ड करना है अगर किसी ने कायदे के साथ पढ़ाया है, बिकॉज बायोलॉजी एक बहुत बेहतरीन सब्जेक्ट है जिसमें इंसान खुद के बारे में पढ़ता है, जानदारों के बारे में पढ़ता है कि आखिरकार हयात आई कैसे, यानी लिविंग थिंग किस तरीके से आए। बहरहाल हमारा जो डिस्कशन है वो स्टमक पर हो रहा है, तो पहला पार्ट फंडस, बॉडी, एंट्रम, पाइलोरस, और जहां पे वो खत्म होता है छोटी आंत से जुड़ जाती है स्टमक से, उसको हम क्या कहते हैं? जब खाना पच जाता है, सारी चीजें हो जाती है, तो छोटी आंत से बाहर निकलता है, ड्यूडोनियम बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। यहां तक बात समझ में आई? और अंदर लाइनिंग हो रही होती है, इस तरीके से गैस्ट्रिक ग्लैंड बिछा हुआ होता है, जो मैंने लाल कलर के मार्कर से शो किया है, ये क्या होता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या निकालता है? सबसे बेहतरीन चीज निकालता है, जिसका नाम होता है गैस्ट्रिक जूस। जिसका नाम क्या होता है साहब? गैस्ट्रिक जूस। बात बिल्कुल क्लियरिफाई हुई? जिसका नाम क्या होता है? गैस्ट्रिक जूस। अब गैस्ट्रिक जूस क्या क्या कंटेन करता है? तीन चीजें गैस्ट्रिक जूस के अंदर मेजरली पाई जाती हैं। पहली चीज अगर मैं आपको गैस्ट्रिक जूस के अंदर बताऊं तो वो HCl है। क्या है? HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। दूसरा एंजाइम पेप्सिन है। तीसरा आपका रेनिन है, रेनिन भी एक एंजाइम है। और चौथा क्या है भाई आपका? एक लेयर है, एक एक पदार्थ है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? म्यूकस बोलते हैं। यहां तक बात दिमाग में रखिएगा कि गैस्ट्रिक ग्लैंड पेट के ऊपर लगे हुए होते हैं, और पेट के ऊपर जब गैस्ट्रिक ग्लैंड लगे हुए होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं। और गैस्ट्रिक ग्लैंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंटेन करता है, एंजाइम पेप्सिन कंटेन करता है, म्यूकस कंटेन करता है, और रेनिन कंटेन करता है। यहां तक बात जो है वो आप लोगों को समझनी है एक्चुअली, कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। यहां तक बात क्लियर हुई? अब थोड़ा इधर आ जाइए, ठीक है। तो अब मैं आपको दिखाता हूं कि आखिरकार किस तरीके से पूरा का पूरा काम है। हमने आपको बताया कि गैस्ट्रिक ग्लैंड तीन चीजें कंटेन करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंजाइम पेप्सिन, म्यूकस एंड रेनिन। अब देखो ये क्या काम करता है। मैंने बताया कि HCl सॉफ्टन द फूड, मैंने HCl के नीचे लिखनी है एक हेडिंग डाल के, HCl सॉफ्टन द फूड। यहां पे इस तरीके से हेडिंग डाल देता हूं मैं,
HCl, ठीक है। मैंने क्या बताया, HCl सॉफ्ट इन द फूड, मतलब HCl सॉफ्ट इन द फूड का क्या मतलब है कि वो जो HCl है वो क्या काम कर रहा है, HCl काम करता है, देखो अगर कोई भी बैक्टीरिया खाने के अंदर है सबसे पहले तो उसे मार देगा और खाने को सॉफ्ट कर देता है, गला देता है। HCl क्या है, एक एसिड है, अगर एसिड किसी भी लिविंग थिंग चीज पर डाली जाए तो जाहिर सी बात है कि वो सॉफ्ट हो जाएगी। तो ये क्या है, सॉफ्टनिंग ऑफ द फूड। सबसे पहली बात, उच्च HCl, उस HCl का pH क्या होता है, 1 से 2 तक होता है, यानी 1 से 2 तक pH होता है, जो कि बहुत हार्ड एसिड में माना जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, इट इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग। देखो अच्छा एक चीज बताता हूं, सबसे पहली चीज कि HCl क्या क्रिएट करता है, पेट का मीडियम जो है एसिडिक बना देता है, मतलब हमारे पेट को, भाई एक बार बताओ अगर तुम्हारे हाथ पे मैंने तेजाब डाल दिया, ठीक है मैं डाल नहीं रहा हूं, मैं खाली ऐसे ही कह रहा हूं सब, अगर मैंने हाथ पर तेजाब डाला किसी की, अपने हाथ पर मैंने तेजाब डाला, तो तेजाब डालने के बाद क्या होगा साहब कि वो मैंने तेजाब डाल दिया उस जगह से, अब जब वो मैंने तेजाब डाला है तो वो तेजाब क्या करेगा, मेरे पूरे हाथ को एसिडिक बनाएगा कि नहीं बनाएगा, पेट के अंदर तेजाब गया HCl गया तो पेट का मीडियम कैसा हो गया, एसिडिक हो गया, ठीक है। लेकिन सबसे मेन डाइजेस्टिव एंजाइम जो बताया गया है आपकी NCERT में, उसने एंजाइम पेप्सिन को कहा है, इन्होंने इसको कहा है मेन डाइजेस्टिव एंजाइम कहा है, किसको, एंजाइम पेप्सिन को, कि सबसे ज्यादा जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो कौन से हैं, एंजाइम पेप्सिन, यानी एंजाइम पेप्सिन बहुत नखरे वाला एंजाइम है जो बार 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 हजार बार चीख कर कहता है कि मैं जब तक काम नहीं करूंगा, जब तक के पेट का मीडियम यानी एसिडिक नहीं होगा, स्टमक का मीडियम एसिडिक नहीं होगा। बात मेरी बिल्कुल क्लियरिफाई हो रही है साहब की, नहीं हो रही है कि आखिरकार मैं बताना क्या चाह रहा हूं, यहां तक बात क्लियर हुई है कि पेट का मीडियम कैसा नहीं होगा, एसिडिक नहीं होगा, बात क्लियर हो गई। अब देखो फर्दर मैं आगे चलता हूं, तो सब जाहिर सी बात है कि यहां पे HCl आ गया, पेट का मीडियम एसिडिक हो गया, तो अब ये नवाब हार्मोन आया, सॉरी एंजाइम आएगा जिसका नाम है एंजाइम पेप्सिन। अब एंजाइम पेप्सिन आ गया, अब ये एंजाइम पेप्सिन क्या काम करेगा, ठीक है। देखो सबसे पहले तो पेप्सिनोजम नामक एक चीज वहां पे पाई जाती है, एक आपका एक हार्मोन पाया जाता है जिसको HCl किस में चेंज कर देता है, पेप्सिनोजन को। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा साहब, बहुत ज्यादा एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है कि पेप्सिनोजन HCl की मौजूदगी में पेप्सिन एंजाइम में चेंज हो जाता है, पेप्सिनोजन्स आर चेंज इनटू द पेप्सिन एंजाइम इन द प्रेजेंस ऑफ द HCl, ठीक है। उसके बाद जो प्रोरेनिन है वो किसके अंदर चेंज हो जाता है, रेनिन के अंदर चेंज हो जाता है, ठीक है। तो HCl ये दो मेजर काम करता है, कि HCl क्या काम करता है, पेप्सिनोजन को चेंज कर देता है पेप्सिन के अंदर, और पेप्सिन को रेनिन प्रोरेनिन इनको चेंज कर देता है रेनिन के अंदर। यहां तक बात क्लियर होगी। उसके बाद अगर हम अपन दूसरी चीजें देखें तो क्या होगा कि जो पेप्सिन एंजाइम्स हैं, अब वो आए एसिडिक मटेरियल हो गया, एसिडिक बिहेवियर हो गया स्टमक का, अब एकदम खतरनाक एंजाइम आता है जो कि काम करता है, इसका नाम क्या है, एंजाइम पेप्सिन, जिसको मेन डाइजेस्टिव एंजाइम कहा जाता है। अब वो आता है, वो क्या काम करता है कि प्रोटीन को क्या काम करता है, कि प्रोटीन को पेप्सिन जाता है प्रोटीन के पास और जाके प्रोटीन को तोड़ देता है दो हिस्सों में, पेप्टोन्स के अंदर और प्रोटीएज के अंदर, किसके अंदर तोड़ देता है, पेप्टोन्स के अंदर और प्रोटीएज के अंदर। द प्रोटीन आर गेट डिवाइडेड इनटू द पेप्टोन्स एंड प्रोटीएज, पेप्टोन्स और प्रोटीएज के अंदर प्रोटीन टूट जाता है। दूसरी चीज दिखाता हूं, कैसीन, फिर आता है कैसीन, कैसीन क्या काम करता है, कैसीन के पास जाता है रेनिन नाम का हार्मोन, ये रेनिन नाम का हार्मोन क्या करता है कि कैसीन नामक एक एंजाइम वहां पे पाया जाता है, ठीक है, जो चेंज कर देता है प्रो कैसीन के अंदर। समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पेप्सिन क्या काम करता है, प्रोटीन को तोड़ता है पेप्टोन्स और प्रोटीएज के अंदर। बात बिल्कुल क्लियरिफाई हुई। आप बोले सर आपने बताया गैस्ट्रिक ग्लैंड 3-4 चीजें निकाल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंजाइम पेप्सिन, म्यूकस, रेनिन, आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में बता दिया कि खाने को तोड़ता है और पेट का मीडियम एसिडिक बनाता है ताकि ये एंजाइम पेप्सिन आ सके और काम कर सके। फिर आपने बताया कि जो HCl होता है वो पेप्सिनोजन क्या काम करता है, कि HCl को पेप्सिनोजन को HCl क्या कर देता है, पेप्सिन में चेंज कर देता है, और प्रोरेनिन को HCl किस में चेंज कर देता है, रेनिन के अंदर चेंज कर देता है। फिर आपने बताया सर पेप्सिन का क्या काम होता है, आपने कहा कि प्रोटीन टूट जाता है पेप्सिन की मौजूदगी में पेप्टोन्स में और प्रोटीएज के अंदर। लेकिन सर एक बात बताइए, म्यूकस कहां गया, बेटा देखो एक चीज बताओ, अगर किसी इंसान के हाथ पे अगर एसिड को गिरा दिया जाए तो उसका हाथ जल जाएगा ना। अब यहां पे एसिड इतना हार्डली एसिड जिसका पीएच 1 से लेके 2 तक है, इतना हार्डली एसिड पैदा हो रहा है तो पेट का क्या हाल होगा, पेट भी जल जाएगा। लेकिन नहीं, ये क्या सीक्रेट करता है, इसके ऊपर एक म्यूकस, मैं नीले रंग से दिखा रहा हूं, इस जगह से देखिएगा, एक म्यूकस की लेयर इसके ऊपर जमा होती रहती है, ठीक है, एक केस की लेयर जमा होती रहती है, म्यूकस की लेयर साहब इसके ऊपर जमा होती रहती है।
म्यूकस की लेयर साहब इसके ऊपर जमा होती रहती है, जिसको हम क्या कहते हैं, म्यूकस। अब इसके ऊपर कोई भी असर नहीं होता। क्या असर नहीं होता कि साहब अब कोई सा भी तेजाब गिरे ये पूरे ग्लैंड्स को बचा लेती है। अब जरा ध्यान करिए कि व्हाई डू वी फॉल इन नाम का क्लास नाइन्थ की बायोलॉजी के अंदर एक चैप्टर है और सबसे लास्ट की एक डिसीज दी गई है जिसका नाम है पेप्टिक अल्सर। ठीक है, हेलिकोबैक्टर पाइल्यूराई की वजह से वो बीमारी होती है जिसके अंदर क्या होता है कि ये गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है म्यूकस सीक्रेट नहीं करते और पेट में अल्सर्स हो जाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, पेप्टिक अल्सर्स। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो रही है। अच्छा एक चीज बताता हूं, स्टमक स्टोर्स द फूड, स्टमक स्टोर फूड फूड फॉर 1 to 8 hours। कितने घंटे स्टोर कर सकता है, 1 to 8 hours। ठीक है, स्टमक क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है किसी भी चीज को, किसी भी खाने को। ठीक है, अब देखो मेन कंपोनेंट क्या होते हैं, यहां तक बात बिल्कुल क्लियरिफाई हो गई। थोड़ा सा ऊपर देखिएगा, मेन कंपोनेंट कौन कौन से आते हैं, प्रोटीन आता है आपका। ठीक है, प्रोटीन आता है, कार्बोहाइड्रेट आता है, कार्बोहाइड्रेट आता है और फैट आता है। यही तीन चीजें हमारी बॉडी के अंदर मेन होती हैं। तो ये डाइजेस्ट कैसे होती हैं स्टमक के अंदर, मैं दिखा रहा हूं। प्रोटीन सबसे ज्यादा जो डाइजेस्ट होता है ना, 1 to 2 hours, 1 to 3 hours के अंदर प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हो जाता है। बात बिल्कुल क्लियरिफाई हुई, कार्बोहाइड्रेट कितने घंटे के अंदर डाइजेस्ट होता है, 1 to 3 hours के अंदर। प्रोटीन 2 to 5 hours के अंदर और फैट 3 to 6 hours के अंदर डाइजेस्ट हो पाता है। ठीक है, तो ये डाइजेशन प्रोसेस है इन सारी की सारी चीजों का जो आप लोगों को समझना है। तो मैंने अभी तक क्या बात बता दी आपको, ये सब कुछ मैंने बता दिया है। अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आई है, आप कमेंट सेक्शन में मुझको कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और जो भी चीज है आप मुझसे कॉन्टिन्यूसली आके पूछ सकते हैं, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और आकर हर एक चीज अपनी सारी चीजों को पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।